Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले जो सरकार थी उसने सुरक्षा बलों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हमारे वीर जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कैसे तरसाया गया, इसे देश को बार बार याद कराना आवश्यक है। साल 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारे जवान दुश्मन की सेना की गोलियों और आतंकियों के छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर करता था। 2009 से लेकर 2014 तक पांच साल कम समय नहीं होता है, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। यह हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। मैं आज अमेठी में आया हूं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि देश के वीर जवानों को राइफल का इंतजार कराने वाले, बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार कराने वाले ये लोग कौन थे, कौन लोग थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भलीभांति जानते हैं कि ये कौन लोग थे। आप भलीभांति जानते हैं कि कौन लोग थे। ये लोग सालों तक राफेल विमानों के सौदे पर बैठे रहे और जब सरकार जाने की बारी आई तो उसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया। ये हमारी ही सरकार का प्रयास है कि अगले ही कुछ महीनों में पहला राफेल विमान भारत के आसमान में होगा, लेकिन ये लोग अभी भी ये राफेल विमानों के सौदे को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, उसको भी नाकाम कराने के लिए, फेल कराने के लिए कुछ न कुछ नए नए नखरे कर रहे हैं। भाई और बहनों, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीएजी तक हर संस्था कह रही है कि भारत सरकार ने सही निर्णय किया है, सही समय पर किया है, सही सौदा किया है और देश के हित में किया है, लेकिन ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। रक्षा सौदे में कमीशन न मिलने की बौखलाहट क्या होती है, ये कुछ लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। भाइयों और बहनों, आज से जो काम यहां शुरू हो रहा है, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक का निर्माण शुरू होने जा रहा है। पहले कैसे हमारी सेना और सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना ने साल 2005 में आधुनिक हथियार की अपनी जरूरत को तब की सरकार के सामने रखा था। इसी के देखते हुए अमेठी में इस फैक्ट्री के लिए काम शुरू हुआ। आपके यहां के सांसद जब 2007 में इसका शिलान्यास किया तब ये कहा गया था कि साल 2010 से इसमें काम शुरू हो जाएगा। हुआ क्या? उन्होंने कहा तक नहीं किया, कहा था उनकी सरकार ठीक नहीं थी, वो जो कहे वो होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए था। हुआ क्या? अरे जो इतना ही नहीं कर पाते उनका भरोसा काहे को करते हो। लेकिन साथियों, काम शुरू होना तो दूर, शिलान्यास के बाद के 3 साल तक पहले की सरकार ये ही तय नहीं कर पाई कि यहां के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किस तरह के हथियार बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये फैक्ट्री बनेगी कहां, इसके लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई गई। साथियों सोचिए,
जिस फैक्ट्री में साल 2010 में काम शुरू हो जाना चाहिए था उसकी बिल्डिंग 2013 तक लटकी रही। बिल्डिंग बनने के बाद जैसे तैसे यहां काम तो शुरू हुआ, क्योंकि सामने चुनाव था, कुछ तो दिखावा करना जरूरी था, लेकिन आधुनिक राइफल तब भी नहीं बनी। और यहां हां ये भी मत भूलिए कि फैक्ट्री में इन्होंने वादा किया था, ये कहते हैं ना कि हम वादा करते हैं निभाते हैं, हम कभी झूठ बोलते नहीं हैं, ये भी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। और ये भी मत भूलिए, उन्होंने कहा था कि 1500 नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, किया था भाई, 1500 लोगों को फैक्ट्री में वादा किया था। इस अमेठी की बात है, देश की नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने अमेठी की लोगों की आंख में धूल झोंकी और सिर्फ 200 लोगों को काम मिला। और आज देश भर में रोजगार के भाषण देते घूम रहे हैं। अमेठी के मेरे भाई और बहनों, अब आज इतने वर्षों के इंतजार के बाद अमेठी की